हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका वाजपेयी ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों, शाम का टाइम हो रहा है इस टाइम, तो मैं शाम के चाय के साथ नमकीन बनाने जा रही हूँ, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखिए मैं कैसे नमकीन बनाती हूँ। इधर घी गर्म हो चुका है, इसमें मूंगफली के दाने भून ले गए हैं। इनको इस साइड मेरी चाय भी बन रही है नमकीन के साथ, चाय भी बनाती जा रही हूँ उसके साथ। मैंने दानों को निकाल लिया, इसी में मखाने को डाल कर देती हूँ। जब मखाने फ्राई हो जाए निकालने, हल्के से रोस्ट करने हैं, रोस्ट नहीं मतलब फ्राई करने हैं। मखाने भुन चुके हैं, अब मैं मखानों को भी बाउल में निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई मैंने फिर से थोड़ा सा घी डाल लिया है, घी गर्म हो गया है। अब इसमें करी पत्ता डाल दूंगी, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी। मुझे थोड़ा सा चूरा भी भून लेना है। अभी मैं लैया को डाल दूंगी। ऐसे अलग अलग भून दिया है, भून चुकी है। अब ये जो मैंने फ्राई किया था वो तो सब उस इसी में मिला देना है, मूंगफली दाल में और ये मखाना इसी में ऐड कर दूंगी। नमकीन बन चुके, फटाफट बनने वाली नमकीन, तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। और इधर मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है नमकीन के साथ पीने के लिए, चाय भी बन चुकी है, नमकीन भी तैयार हो गई है। अब बस इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी, नमकीन तैयार हो गई। ये देखिए हल्का सा, ताकि हल्का खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ जाता तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी अच्छी है। नमकीन के साथ पीने के लिए चाय रेडी है। चलो अब देखते हैं कैसी बनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ये देख बताना कैसा मेरा वीडियो था। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर, बाय बाय।